हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने ये ग्रे स्मोक किया है, मेकअप लुक किया है आप लोगों के लिए इंडियन फंक्शन पार्टी के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर मेकअप लुक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स पर लगाऊँगी लिप बाम, उसके बाद हम लगाएंगे एलोवेरा जेल एज आर प्राइमर और मॉइस्चराइज़र भी। तो एलोवेरा जेल लगाने के बाद मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज़ को करूँगी फिलिंग। आईब्रोज़ फिलिंग करने के लिए हम अपना आई शेडो यूज़ करेंगे ब्राउन और ब्लैक मिक्स करके। एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से हम करेंगे आईब्रोज़ को फिल। अच्छे से देख लीजिए मैंने कैसे फिल किया है ताकि नेचुरल लगे, ज़्यादा ओवर गर्ल्स पे अच्छी नहीं लगती हैं आईब्रोज, इसलिए हमें नेचुरल लुक भी दिखाना चाहिए। उसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे आई बेस के लिए, इसको फिंगर्स की हेल्प से कर लेंगे सेट। देखिए उसके बाद मैं क्रीज के लिए ट्रांजिशन शेड में यूज़ कर रही हूँ ब्राउन, क्योंकि ये स्मोकी आया है तो ब्राउन ट्रांजिशन शेड बहुत अच्छा जाएगा। के बाद अच्छे से ट्रांजिशन शेड को ब्लेंड करूंगी दोनों आईज पे, ब्राउन शेड हल्का हल्का लेना है। ब्राउन शेड लगाने के बाद आज मैं स्मोकी आई करने वाली हूँ जेल आईलाइनर के साथ। तो उसके बाद जब ये हमारा ट्रांजिशन शेड लग जाएगा, अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। मैं कलर एसेंस का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको ऐसे ही अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद स्मज करूँगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से। हल्के हल्के से स्मज करना है, घिसना नहीं है इसको, हल्के से हम इसको स्मज करेंगे सिर्फ आई लिड तक, क्रीज तक नहीं लेके जाना है। तो हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे सिर्फ आई लिड पे, क्रीज पे नहीं लेके जाना है, सिर्फ टैप करते हुए हम अपने पेंसिल ब्रश की हेल्प से। अब मैं दोबारा से इसको ब्लेंड कर लूँगी सबको काफ़ी स्मूथ दिखने के लिए। तो आई शेडो को ब्लेंड करेंगे अच्छे से जिससे कि ज़रा भी हार्श ना लगे। ब्राउन शेड की हेल्प से हमें अच्छे से अपने ट्रांजिशन शेड को और ब्लेंड करना है। उसके बाद ये ब्लैक आई शेडो अप्लाई करेंगे सिर्फ आई लिड्स पे, जिससे कि थोड़ा डार्कर शेड आए, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा आए। कोई भी ब्लैक आई शेडो आप अप्लाई कर सकते हो, ग्लिटर ब्लैक आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्लेन ब्लैक अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं फिर से ब्लेंड करूँगी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। उसके बाद हम लोग एक और डार्क शेड, हल्का सा डार्क शेड ब्लैक और ब्राउन को यूज़ करते हुए अपनी हल्का सा बिल्कुल आई क्लिट के आउटर साइड अप्लाई करेंगे आउटर विंग पे। उसके बाद ग्रे आई शेडो अप्लाई करेंगे अंडर आईलिड। हमें कट क्रीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ग्रे आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि ये स्मोकी आए लगे। अगर मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी तो पूरा ही आई शेडो फिर ब्लैंक हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रे आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी दोबारा से ब्लैक शेड लेकर, दोनों शेड्स को मिक्स करेंगे अच्छे से पेंसिल ब्रश की हेल्प से। तो अच्छे से दोनों शेड्स को मिक्स करना है से वो अच्छे से ब्लेंडेड लगे। उसके बाद हम लोग आईलाइनर अप्लाई करेंगे, मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। विंग क्रिएट करेंगे, थिक नहीं रखना है, थिन लाइनर रखना है जिससे कि हमारा आई शेडो अच्छे से दिखे। थिन लाइन अप्लाई करेंगे लाइनर की और विंग क्रिएट करेंगे। विंग आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद लाइनर अच्छे से अप्लाई करेंगे दोनों आइज पर, स्मॉल विंग क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी विंग नहीं। उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे, मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं वाइट काजल लगा रही हूँ जिससे मेरी आईज़ और बड़ी लगी, मिस क्लियर का वाइट काजल है। उसके बाद ब्राउन शेड लेके हम लोअर अंडर आई पे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको काजल की तरह, हल्का हल्का अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे बेस मेकअप के लिए, इसे अच्छे से फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है, रब नहीं करना है, सिर्फ ब्रश को टैप करते हुए अपने फेस पे पूरा फाउंडेशन ब्लेंड करना है।
उसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे ब्राइटन अप करने के लिए फेस को, डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। उसके बाद कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लेंगे कंसीलर को ताकि कोई भी क्रीज ना आए। उसके बाद कंटूरिंग के लिए हम लोग ब्राउन लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं लैक्मे की, आप कोई भी ब्राउन लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। नोज़ कंटूरिंग करेंगे, लिपस्टिक की हेल्प से काफ़ी अच्छा कंटूर होता है। अगर किसके पास कंटूर ब्रॉन्जर नहीं है तो लिपस्टिक से भी हम लोग कंटूर कर सकते हैं। फिर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मोशन में हमें इसे ब्लेंड करना है। अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है कंटूरिंग का। ब्राउन लिपस्टिक की हेल्प से बहुत अच्छा कंटूर होता है। उसके बाद हम स्मॉल ब्रश की हेल्प से नोज़ को कंटूर करेंगे, अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे जिससे सब स्मूथ लगे। कंटूर करने के बाद हम लोग ये ब्राउन शेड से ही ब्रॉन्जर की तरह इसको अप्लाई करेंगे। कंटूरिंग हो गई है अच्छे से, अब हम लोग ब्लशर अप्लाई करेंगे लिपस्टिक की हेल्प से। लिक्विड लिपस्टिक से बहुत अच्छा ब्लशर अप्लाई हो सकता है। लिपस्टिक को हाथ में लेके ब्रश की हेल्प से ब्लशर अप्लाई करना है, डायरेक्टली लिपस्टिक अपने चीक्स पे अप्लाई नहीं करना है, वो बहुत हार्श लगेगा और ब्लेंड भी नहीं होगा। तो हल्के हाथ से हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर ब्रश की हेल्प से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो, वैसे ब्रश की हेल्प से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होगा। उसके बाद ब्लशर अप्लाई करने के बाद हम लोग लगाएंगे हाइलाइटर, ये मेबैक शेड चैम्पेन। हम लोग अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई करेंगे अपनी नोज़ पे, चीक बोन्स पे, चिन पे, अंडर आईब्रोज। अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई करना है जैसे कि फेस काफ़ी ग्लोई और शाइनी लगे। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है लेकिन मैं दिखाना भूल गई हूँ, वो लिपस्टिक है स्टेकवाकी की लिक्विड लिपस्टिक, तो वो लिपस्टिक वाला क्लिप नहीं आएगा, डायरेक्ट फेस मेकअप कंप्लीट हो जाएगा जैसा कि हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और हाँ कमेंट करना भी मत भूलिएगा। चलिए गाइस बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।